स्वागत करता हूं दोस्तों एक और नई फ्रेश अपडेट के साथ। और इस वीडियो में हम बात करेंगे डीडी फ्रीडी सब्सक्राइबरों को लेके। अगर आप डीडी फ्रीडी सब्सक्राइबर हैं तो फ्रेंड्स आप सभी के लिए आज इस वीडियो में एक खास जानकारी रहने वाली है। जी हां, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारे चैनल के द्वारा आप सभी को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि डीडी फ्रीडीज पर आपको 1 अप्रैल 2025 से पहले डीडी फ्रीडीज पर 250 टीवी चैनल देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स प्रसार भारती की ओर से एक और नई अपडेट निकल के आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि प्रसार भारती अब बहुत से नए टीवी चैनल को मौका देने जा रहा है डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर, जो कि अभी तक आप सभी को देखने के लिए नहीं मिले हैं। तो फ्रेंड्स देंगे आज इस वीडियो में हम इस नई अपडेट से जुड़ी सभी जानकारी विस्तार से। लेकिन फ्रेंड्स इस जानकारी को देने से पहले हम आप सभी से निवेदन करेंगे, अगर आपने अभी तक हमारे सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सब्सक्राइब एंड फॉलो नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब एंड फॉलो कर ले। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के वीडियो की टॉपिक की ओर और बात करते हैं प्रसार भारती की ओर से आने वाली एक नई अपडेट से जुड़ी, जिसमें हम आपको बता दें कि डीडी फ्रीडीज पर आपको अभी कुल 116 टीवी चैनल्स के आसपास देखने के लिए मिलते हैं। लेकिन प्रसार भारती ने हाल ही में 2 फ्रीक्वेंसीज बढ़ाई है, जिसमें आपको देखने के लिए मिले कि आपको 60 नए टेस्ट स्लॉट्स देखने के लिए मिले। तो प्रसार भारती ने अभी 60 नए टेस्ट स्लॉट्स बढ़ाए हैं। और जैसे कि हम आपको बता दें, हमने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि प्रसार भारती की ओर से अभी और नए टेस्ट स्लॉट्स भी डीडी फ्रीडीज पर ऐड किए जाएंगे, जिसमें कुल मिला के आपको टोटल 250 टीवी चैनल्स देखने के लिए मिलेंगे। तो फ्रेंड्स प्रसार भारती ने इन 250 टेस्ट स्लॉट्स को फिल करने के लिए अब एक नया रूल लागू किया है, जिसमें आपको देखने के लिए मिलेगा कि डीडी फ्रीडीज की जो बिट वैल्यू होती है उसकी बिट वैल्यू में भी कमी आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। और साथ ही साथ डीडी फ्रीडीज की ओर से एक और कदम उठाया गया है, जो कि रहने वाला है क्षेत्रीय चैनल को लेके। जी हाँ, क्षेत्रीय चैनल्स अब आपको डीडी फ्रीडीज पर देखने के लिए मिलने वाले हैं, जो कि आपको पहले नहीं देखने के लिए मिलते थे। और इसकी वजह थी कि डीडी फ्रीडीज के पास स्लॉट्स की बहुत कमी थी, जिसके चलते डीडी फ्रीडीज पर आपको क्षेत्रीय चैनल्स देखने के लिए नहीं मिलते थे, जो कि अब आपको देखने के लिए आसानी से मिलने वाले हैं, क्योंकि अब प्रसार भारती 200 प्लस टीवी चैनल्स आपको डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर दिखाएगा। तो जाहिर सी बात है कि प्रसार भारती ने एक नया कदम उठाया है, जिसमें आप सभी को देखने के लिए मिलेगा कि अब प्रसार भारती क्षेत्रीय भाषा के चैनल्स को भी इनवाइट करेगा डीडी फ्रीडीज के एनुअली ऑप्शन में। जैसे कि हम आपको बता दें कि क्षेत्रीय चैनल्स क्या है, जैसे कि हम लाइक आपको बता दें कि पंजाबी चैनल्स आप सभी को देखने के लिए मिलते हैं, हरियाणवी चैनल्स आपको देखने के लिए मिलने वाले हैं, अस्मिक चैनल्स जैसे देखने के लिए मिलेंगे, ओडिया चैनल्स देखने के लिए मिलेंगे, या और भी बहुत से क्षेत्रीय चैनल्स हैं जो कि आपको डीडी फ्रीडीज पर देखने के लिए नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स हम आपको बता दें कि प्रसार भारती की ओर से अब इन चैनल्स को भी इनवाइट किया जाएगा, ताकि आपको 1 अप्रैल 2025 से डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर सभी क्षेत्रीय चैनल्स आपको डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर देखने के लिए मिले, ताकि डीडी फ्रीडीज के सब्सक्राइबर और भी ज्यादा इंक्रीज हो सके। और इसकी वजह यह है कि जो लोग क्षेत्रीय चैनल्स देखना पसंद करते हैं, वो लोग अभी डीडी फ्रीडीज का कनेक्शन लगाना पसंद नहीं करते, बल्कि वो प्राइवेट डीटीएच एंड केबल ऑपरेटर्स के सब्सक्राइबर हैं। तो फ्रेंड्स अगर ऐसा होता है कि डीडी फ्रीडीज पर फ्री में क्षेत्रीय चैनल्स देखने के लिए मिल जाते हैं, तो कहीं ना कहीं डीडी फ्रीडीज का भी बेनिफिट होने वाला है, अगर डीडी फ्रीडीज पर क्षेत्रीय चैनल्स अवेलेबल होते हैं। जैसे कि हम आपको बता दें कि हमें बहुत सी कमेंट्स देखने के लिए मिलती है कि डीडी फ्रीडीज पर अस्मिक चैनल कब आएंगे, या डीडी फ्रीडीज पर मराठी चैनल्स कब आएंगे, या डीडी फ्रीडीज पर गुजराती चैनल्स कब आएंगे, ऐसी बहुत सी कमेंट्स हमें देखने के लिए मिलती है। और इन्हीं कमेंट्स को देखते हुए हमें भी लगता था कि डीडी फ्रीडीज पर स्लॉट्स बढ़ाए जाने चाहिए, लेकिन अब फाइनली डीडी फ्रीडीज की ओर से स्लॉट्स बढ़ाए जा चुके हैं और स्लॉट्स बढ़ाने का काम प्रसार भारती कर रहा है। और प्रसार भारती ने फाइनली ये डिसीजन ले लिया है कि अब डीडी फ्रीडीज पर आप सभी को क्षेत्रीय चैनल्स दिखाने का काम भी प्रसार भारती करेगा, जिसके लिए अब डीडी फ्रीडीज 2025 यानी एनुअली ऑक्शन 2025 में सभी क्षेत्रीय चैनल्स को इनवाइट करेगा। तो फ्रेंड्स ये थी एक छोटी सी अपडेट जो कि प्रसार भारती की ओर से निकल कर रही है, जो कि अब प्रसार भारती डीडी फ्रीडीज पर सभी क्षेत्रीय चैनल्स को इनवाइट करेगा और आप सभी को अब डीडी फ्रीडीज के प्लेटफॉर्म पर क्षेत्रीय चैनल्स देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो फ्रेंड्स आप सबको ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट्स में बताएं, और वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आज की वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।